हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खुशहाल किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं हलवाई जैसा गाजा मिठाई, जो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। और घर के सामान से ही हम उसे बनाकर तैयार करेंगे और बहुत टेस्टी और खास्ता बनाएंगे। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने एक बाउल ले लिए हैं, 2 कटोरी के करीब मैदा ले लिए हैं, इसमें रख देते हैं। ये ग्राम से 200 ग्राम है। आप चाहे तो इसके जगह पर आटा का भी यूज कर सकते हैं, अक्सर ये गाजा मैदा से ही बनता है। इसमें थोड़ी सी नमक ले लिए हैं, कोई भी मीठा सामान बनाइएगा तो उसमें नमक रखने से उसका स्वाद बढ़ जाता है। इसमें हम बेकिंग पाउडर ले लिए हैं, ये आधा चम्मच के करीब है, छोटा वाला चम्मच है, इसमें रख देते हैं। इसमें घी ले लिए हैं, ये कटोरी से थोड़ा कम है, इसको हमने गर्म कर लिए हैं, थोड़ा सा गुनगुना है। इसमें पानी रख देते हैं, ये नॉर्मल पानी है। अब इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं, एक बार में ही ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये गीला भी हो सकता है, ज़रूरत लगेगा तो फिर से इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए है, हमको इसमें पानी का ज़रूरत नहीं लगा है। इस डो के फॉर्म में आ गया है, इसको इस तरह से हम कर देते हैं। देखिए, इसको अब हम ढक्कन लगा देते हैं 10 मिनट तक, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। 10 मिनट हो गया है, अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। अब इसे साइड करने, आटे को इस पर रख दिए हैं। अब इसको क्या करते हैं, थोड़े थोड़े औंगली से दबा देते हैं, इसे बेल लेते हैं बेलन से। इसको मसलेंगे ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये खस्तापन नहीं बनेगा। हमने इसको बेल लिए हैं, तो इसको चाकू से कट कर देते हैं। साइड का पार्ट हटा देते हैं। कट कर लेते हैं छोटे छोटे पीस में। आप चाहे तो अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, जितना छोटा बड़ा रखना चाहते हैं उस शेप में आप कट कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारे को कट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। हमने सारे गाजे को कट कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसे साइड करते हैं, कढ़ाई को गैस पर रखते हैं। तो हमने गैस पर कढ़ाई को रख दिए हैं, लो फ्लेम पर रखे हैं, थोड़ी से तेल को गर्म होने देते हैं। तेल को ज़्यादा गर्म नहीं, तेल गर्म हो गया है, थोड़ा थोड़ा गुनगुना है, उससे ज़्यादा इसको गर्म नहीं करेंगे। इसमें रख देते हैं जो गाजा हमने बनाकर रखा था, एक एक पीस कर कर इसमें और रख देते हैं, जितना इसमें जाएगा उतना इसमें रख देते हैं। गैस को फ्लेम को एकदम लो रखेंगे। हमने सारे गाजे को इसमें रख दिए हैं, अब इसको थोड़ी थोड़ी इस तरह से हम कढ़ाई को हिलाते रहेंगे, तेल से ऊपर आ जाएगा। गैस को फ्लेम को एकदम लो रखा, गाजे ऊपर टहरते हुए आ गया है। अब गैस को फ्लेम को हम हाई कर देते हैं, 1 मिनट तक, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये गाजा ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएगा। 1 मिनट हो गया है, अब गैस को फ्लेम को लो कर देते हैं। इसको अब धीरे धीरे से हम पलट देते हैं। इसी तरह से हम सारे को पलट देंगे और लो फ्लेम पर इसको आप 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर का हो गया है। हमने सारे गाजे को निकाल लिए हैं एक प्लेट में। अभी से साइड करते हैं कढ़ाई को, एक फ्राई पैन ले लेते हैं। हमने फ्राई पैन ले लिए हैं, इसमें हम चीनी रख देते हैं। ये हमने 2 कटोरी चीनी ले लिए हैं, ये देखिए हमने 2 कटोरी चीनी ले लिए हैं। ग्राम के बात करें तो ये 300 ग्राम चीनी है। हमने 2 कटोरी चीनी लिए थे तो 1 कटोरी पानी ले लिए हैं। अब इसको पकने देते हैं। कम करो, बंद करो। हमारा चीनी और पानी अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमने गैस को फ्लेम हाई रखे हैं, हाई फ्लेम पर इसको मेल्ट कर रहे हैं चाशनी को। अब इसमें हम रख देते हैं इलायची का पाउडर, ये हमने इलायची का पाउडर ले लिए हैं, इसमें रख देते हैं। घर का कूटा हुआ इलायची है, इसको मिक्स कर देते हैं।
हमने एक चम्मच के करीब नीमों का रस ले लिए हैं, इसमें रख देते हैं। चाशनी को हम चेक कर लेते हैं, एक तार का चाशनी तैयार हो गया है। अब गैस को ऑफ कर देते हैं। हमने चाशनी को गैस पर से उतार दिए हैं, गरम चाशनी में ही इसको गाजे को इसमें रखेंगे। सारे गाजे को इसमें रख देते हैं, एक ही बार में सारे गाजे को इसमें रख देंगे। इसको हम पलटते हुए हम इसको 10 मिनट तक इसी में रखेंगे। आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद हो तो 1 घंटा तक ले रख सकते हैं, कम मीठा खाना पसंद हो तो सिर्फ डिप कर निकाल सकते हैं। हम इसको इसी में रहने देंगे 10 मिनट तक, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। 10 मिनट हो गया है, सारे चाशनी को गाजे पी लिए हैं। अब इसको हम एक प्लेट में बाहर निकाल देते हैं। हमने सारे गाजे को एक प्लेट में निकाल लिए हैं। ये देखिए कितना शानदार गाजा बना है। आप भी इसी तरीके से एक बार गाजा बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है गाजा, एकदम खस्ता खस्ता है। आपको हम तोड़ कर दिखाते हैं। ये देखिए अंदर तक भी कितना अच्छा से पक गया है, कितना अच्छा कलर भी आया है, कितना खस्ता भी बना है। इसी तरीके से एक बार आप ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले रेसिपी में। बाय बाय।